ये फेस पैक आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा, स्किन को नरिश भी करेगा। विंटर सीजन के लिए बहुत ही बेनिफिट सा फेस पैक है ये, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर शादी पार्टी में भी जाना चाहते हैं तो इसे पहले एक ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा सा फेस पैक आप मेरे स्किन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसे कैसे यूज़ करना, क्या क्या इन्ग्रीडियंट हमें चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही अच्छा एक फेस मास्क का रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, क्योंकि विंटर सीजन के साथ साथ शादियों का सीजन भी आ चुका है। ये फेस पैक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपका फेस जो स्किन वाइट तो हो गई, आपका फेस वाइटनिंग तो आ गई, साथ में आपके फेस में ग्लो भी आएगा एंड ब्राइट भी करेगा आपका फेस। तो शादी एंड पार्टी में जाने से पहले आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ये इजली से इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन में अवेलेबल होगा, बस उसी से आप ये फेस पैक बनाइए और फटाफट से अपने फेस में लगाइए और देखिएगा उसका बाद आपको कितना अच्छा आपको स्किन में ग्लो भी आएगा आपकी स्किन में, और आपका स्किन का कलर जो है स्किन टोन भी इवन लगेगा आपका देखने में। तो आपका अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं खुद डेमो करूंगी अपने फेस में, उसके बाद में दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, तो आपको जरूर ही यकीन हो जाएगा जब आप डेमो देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से इन्ग्रीडियंट चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो हमें लेना है वो है बेसन। तो 2 टेबल स्पून में बेसन ले लूँगी इसमें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें बेसन लेना है। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर का जूस। तो आपको टमाटो को जूस निकाल लेना है और उसे 2 टेबल स्पून इस तरह से ले लेना है। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है टर्मरिक, तो मैं थोड़ा सा टर्मरिक दूंगी। हमें टर्मरिक ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा लेना है। उसके बाद जो लास्ट एंड मेन इन्ग्रीडियंट है वो है कर्ड यानी दही। तो 1 टेबल स्पून दही ले लेंगे हम। लेना है इस तरह, अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेना है हमें इसका। बहुत ही ज़बरदस्त सा इफेक्टेड आपका फेस को स्किन वाइटनिंग करेगा, या आपके फेस को बहुत ही अच्छा स्किन को वाइटनिंग भी करता है एंड ग्लो ब्राइटनिंग करता है। विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। तो अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपको अच्छी तरह से अपने फेस में पूरा फेस पैक को अप्लाई कर लेना है। सूखने तक वेट नहीं करना, आपको ओनली 50 मिनट तक इसी तरह अपने फेस में रहने देना है। उसके बाद आपको फेस को क्लीन करना है। तो मैं अभी 15 मिनट बाद आती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। कुछ इस तरह हो चुका है, देखिए पूरा तरह से सूखा नहीं है ये, पर मुझे इसे पूरा सूखने नहीं देना है, पूरा ड्राई नहीं होने देना है, बस आपको क्लीन कर लेना अपना फेस। अगर आप गुनगुने पानी से करेंगे तो और भी अच्छा होगा, अगर नहीं तो आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लीजिए विदाउट फेस वॉश का। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं क्लीन करती हूँ, दिखाती हूँ कैसा रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन, तो आती है फेस को पूरा क्लीन करके उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं बिल्कुल भी क्लीन हो गया है। अभी आपको इसे विदाउट फेस वॉश का क्लीन करना है, और जब आप मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करेगा या किसी टाइम भी आप जब फेस वॉश से वॉश करेगा तो भी और भी ज़्यादा वो क्लीन लगने लगेगा, क्योंकि अभी फेस मास्क लगाने के बाद हमें फेस वॉश नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई मॉइस्चराइजर है तो उसे आप अपने फेस में अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हफ्ते में आपको यानी 1 वीक में 2 बार आपको यूज़ करना है, हफ्ते में 2 बार ही इसे यूज़ करना है। फेस जो है बिल्कुल भी मुझे स्मूथ लग रहा है एकदम, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर की। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, फिर विंटर सीजन में शादी पार्टी में कहीं भी जाना है तो उससे पहले भी आप इसे लगा लेंगे तो आपको स्किन बिल्कुल अच्छा ग्लो हो जाएगा, बहुत अच्छा स्किन वाइट भी होने लगता है, स्किन का कलर भी आपको इवन लगता है और शाइनिंग भी आ जाता है हमारे फेस में। तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।